हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं वृद्धि के बारे में। तो वृद्धि में आइए देखते हैं इसकी चौथा टॉपिक वृद्धि दर के बारे में। वृद्धि दर क्या होती है इसको आप ध्यान से समझें। समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर को गणकीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकता है। ठीक है, तो एक जीव हो या कोई उसका अंग हो, वह कई तरीके से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं वृद्धि के चौथा पाठ के बारे में, वृद्धि दर के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, गणितीय ढंग से वृद्धि दर को यहां देखें व्यक्त किया गया है। यह अंक गणितीय है और यह ज्यामितीय है। अंक गणितीय में आप देख रहे हैं पहले दो कोशिकाएं हैं, फिर दो से विभाजित होने वाली तीन, तीन से चार, चार से पांच और पांच से छह। इस तरह से अगर कोशिकाएं विभाजित होंगी, अपनी संख्या को बढ़ाएंगी, ठीक है, तो इसको कहेंगे अंक गणितीय। ठीक है, दूसरा तरीका है ज्यामितिक। इसमें जो है दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस। अगर इस तरह से कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो इसको ज्यामितिक कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे आप देखें यह भी एक फिगर बना हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि यह है युग्मज, विभाजन हो रहा है, युग्मज का विभाजन हो रहा है। पहले दो, दो से चार, चार से आप देख रहे हैं, यह आगे जो है ज्यामितीय अवस्था, सभी कोशिकाओं में विभाजन होगा और इस तरह से यह बढ़ती हुई यह संरचना को, इस संरचना को प्राप्त कर लेगी। ठीक है, तो जो नीले कलर से दिखाए गए हैं वह कोशिकाएं जो हैं विभाजन में समर्थ हैं, और जो हल्का नीला कलर आप देख रहे हैं, ठीक है, वो ऐसी कोशिकाएं हैं जो विभाजन में असमर्थ हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वृद्धि की दर जो है गणितीय ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, और यह अंक गणितीय और ज्यामितीय दो तरीके की होती हैं। एक जीव या उसके अंग जो हैं वो कई तरीके से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकता है। एक जीव या उसके अंग जो हैं कई तरीके से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकता है। वृद्धि दर अंक गणितीय या ज्यामितीय रेखा गणितीय संवर्धन हो सकती है। ठीक है, तो वृद्धि दर जो है वह अंक गणितीय हो सकती है या फिर ज्यामितीय हो सकती है। अंक गणितीय में क्या होगा, अंक गणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद, ठीक है, पहले समसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद उसमें से एक ही कोशिका डिवीजन करेगी। अंक गणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, तो जबकि दूसरी जो है वह विभेदित और परिपक्व होती रहती है। ठीक है, तो अंक गणितीय वृद्धि में क्या होता है, अंक गणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद जो है केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, जबकि दूसरी जो है वह विभेदित यौ परिपक्व होती रहती है। अंक गणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है। अंक गणितीय जो वृद्धि है वह एक सरलतम अभिव्यक्ति है, जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घकृत होते मूल में देख सकते हैं। ठीक है, तो जो अंक गणितीय वृद्धि है वह एक सरलतम अभिव्यक्ति है, जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घकृत होते मूल में देख सकते हैं। ठीक है, चित्र 15.5। तो यहाँ एक देखें, एक फिगर बना हुआ है, इसमें नियत रेखीय वृद्धि लंबाई और समय के विरुद्ध आलेख खींचा गया है। नियत रेखीय वृद्धि, यह समय लिया गया x अक्ष पे
और पादपों की ऊंचाई में यह अंक गणती वृद्धि का ग्राफ है जिसमें आप देख रहे हैं एक नियत वृद्धि हो रही है। ठीक है, समय आप देख रहे हैं, समय रफ्तार से बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से जो है पादप की ऊंचाई भी बढ़ रही है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो आप इसमें वृद्धि जो देख रहे हैं वो कैसी है, एक नियत है जिसके कारण ग्राफ जो है रेखीय वक्र में आ रहा है। ठीक है, तो वृद्धि दर जो है अंक गणती या ज्यामिति संवर्धन में हो सकती है। अंक गणती वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है तो दूसरी जो है वह विभेदित और परिपक्व होती रहती है। अंक गणती वृद्धि एक सरलतम व्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर दृढ़ीकृत होते हुए मूल में देख सकते हैं। चित्र 5.5 में आपने देखा जिसमें अंग की लंबाई समय के विरुद्ध अलखित की गई है जिसके फलस्वरूप रेखी वक्र पाया गया है। तो यह जो वक्र आपको मिला वह एक स्ट्रेट लाइन रेखी वक्र आपको मिला था। इसे हम गणित रूप में इस प्रकार चक्र कर सकते हैं, LT बराबर L0+RT। ठीक है, इस बात को हम गणित रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं LT बराबर L0+RT, जहां LT क्या है, समय T, ठीक है, टाइम T के समय लंबाई है। LT जो है टाइम T के समय लंबाई है, जबकि L0 जो है वह टाइम 0 के समय लंबाई है। R क्या है, R वृद्धि दर है, दृढ़ीकरण प्रति इकाई समय, R जो है वह वृद्धि दर है दृढ़ीकरण प्रति इकाई समय पर। ठीक है, तो यह था आपका अंक गणती वृद्धि। अब आइए देखते हैं ज्यामिति वृद्धि में क्या होता है। ठीक है, आइए अब देखें ज्यामिति वृद्धि में क्या होता है। हालांकि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि जो है धीमी होती है। ठीक है, अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि जो है लेग फेस है वह धीमी होती है। यह इसके बाद तीव्र गति से एक चर घातांकी दर लाग या चर घातांकी चरण में बढ़ती है। ठीक है, यहां पर दोनों संतत कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका के विभाजन का अनुकरण करती है तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करते रहने की काबिलियत बनाए रखती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो ज्यामिति वृद्धि होती है उसमें अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि जो है वह धीमी होती है, लैग फेस जो होगा वह धीमा होगा, और यह जो है इसके बाद जो है तीव्र गति से एक चर घातांकी दर से बढ़ती है। फिगर में आप देख सकते हैं, यह इसका ग्राफ है, चित्र 15.6, एक आदर्श सिग्माइड वृद्धि वक्र संवर्धित कोशिकाओं या उच्च पादपों और पादप अंगों के लिए प्रारूपिक। यह यस आकार का एक वक्र आप देख रहे हैं। ठीक है, जो ज्यामिति वृद्धि को दिखा रहा है, इसका प्रारंभिक वृद्धि जो है लेग फेस जो है वह धीमा है। लेग फेस कैसा है, धीमा है। यह ग्राफ समय और अंग का आकार या भार के बीच में खींचा गया है, जिसकी प्रारंभिक वृद्धि या लेग फेस आप देख रहे हैं वह धीमी गति से है। फिर जो है घातांकी अवस्था आ गई, चर घातांकी अवस्था जिसमें बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ रहा है, फिर जो है आपका अप्रगामी अवस्था में आ गई। ठीक है, तो यह अप्रगामी अवस्था का ग्राफ है। इस तरह यह ग्राफ जो है आप देख रहे हैं एक यस आकार का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो आपने देखा इसमें क्या क्या, देखे ध्यान से, तो आपने देखा कि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि जो है वह धीमी होती है, यह इसके बाद जो है तीव्र गति से एक चर घातांकी लाग या चर घातांकी चरण में बढ़ती है। यहाँ पर दोनों संतत कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका विभाजन का अनुसरण करती हैं। तो ठीक है, तो इसमें जो है दोनों कोशिकाएं जो हैं वह समसूत्री विभाजन का अनुसरण करती हैं, दोनों कोशिकाएं विभाजित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों संतत कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका के विभाजन का अनुकरण करती हैं तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करते रहने की काबिलियत बनाए रखती हैं। ठीक है,
तो दोनों कोशिकाएं जो है समसूत्री विभाजन करती हैं और लगातार जो है विभाजित होती रहती हैं। हालांकि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पोषण जो है, न्यूट्रिशन जो है, उसकी सीमित मात्रा होने के कारण जैसे जैसे पोषक पदार्थ घटते जाएंगे तो यह जो है वृद्धि धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ जाती है। तो लास्ट में जो अप्रगामी अवस्था आएगा जिसमें चरण क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। यह ऐसा क्यों होगा, पोषण की कमी के कारण। तो पहले जो लैग फेस है वो धीमी है, फिर जो है एक चर घातांकी दर से तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जब भोजन की कमी होने लगेगी तो यह फिर स्थिर अवस्था में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि जो है वह धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ जाती है। यदि हम समय के प्रति वृद्धि, यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंड को नियोजित करते हैं, यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंड को नियोजित करते हैं तो हम एक विशिष्ट सिग्मोइड या यश वक्र पाते हैं। ठीक है, तो अगर समय के साथ ग्राफ बनाएं तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वह सिग्मोइड ग्राफ होगा, यश वक्र मिलेगा यह। ठीक है, यह यश वक्र का ग्राफ आपको प्राप्त होगा। यश वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो जो यश वक्र आप मिल रहा है यह सभी जीवित प्राणियों की विशेषताएं होती हैं। यश वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशेषता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो यश वक्र जो है, सिग्मोइड वक्र जो है, यह सभी जीवित प्राणियों की विशेषता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। यह सभी कोशिकाओं, ऊतकों या एक पौधे के विशेष अंगों के लिए आदर्श है। ठीक है, तो यह सभी कोशिकाओं, ऊतकों या एक पौधे के आदर्श अंगों के लिए, विशेष अंग के लिए आदर्श है। क्या आप अन्य ऐसे ही अधिक उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? मौसमी क्रियाकलाप प्रकट करने वाले एक वृक्ष से आप किस तरह के वक्र की अपेक्षा कर सकते हैं? ठीक है, चर घातांक की वृद्धि को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है, W1=W0(ERT). ठीक है, तो चर घातांक की वृद्धि को कैसे आप गणित के टर्म में व्यक्त करेंगे, गणित के भाषा में व्यक्त करेंगे, तो W1=W0(ERT). W1 जो है वह अंतिम आकार है, भार का, ऊंचाई का, संख्या आदि का, इनसे कोई भी हो सकता है। W1 क्या है, अंतिम आकार है। W0 जो है वह प्रथम आकार है प्रारंभिक समय में। R जो है वह वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है। T जो है समय में वृद्धि है। और E जो आप देख रहे हैं वह स्वाभाविक लघुगणित का आधार है। E जो है वह स्वाभाविक लघुगणित का आधार है। ठीक है, यहाँ R जो है वह एक सापेक्ष वृद्धि दर है तथा साथ ही पौधों द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है। ठीक है, तो R जो है एक सापेक्ष वृद्धि दर है तथा साथ ही पौधे द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है। ठीक है, जिसे एक दक्षता सूचकांक के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो R को जो है दक्षता सूचकांक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अतः W1 का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो W1 का जो अंतिम आकार होगा वह W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, जीवित प्रणाली की वृद्धि के बीच, जीवित प्रणाली की वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना भी दो तरीकों से की जा सकती है। ठीक है, जो जीवित प्रणाली है उनकी वृद्धि के बीच जो है मात्रात्मक तुलना भी दो तरीकों से की जा सकती है। पहला है मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना, मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना, जिसे परम वृद्धि दर कहते हैं, पहला यह तरीका है। दूसरा जो है वह दी गई प्रणाली की प्रति यूनिट समय पर
वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रकट करना। ठीक है, तो जीवित प्रणाली की वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना भी दो तरीकों से की जा सकती है। पहला तरीका है मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना, जिसे परम वृद्धि दर कहते हैं, जबकि जो दूसरा है वह दी गई प्रणाली की प्रति यूनिट समय पर वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रकट करना। उदाहरण, प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्षिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश है उसको सापेक्षिक वृद्धि दर कहते हैं। चित्र 15.7, जहां दो पत्तियां और विभिन्न आकारों की दिखाई गई हैं, लेकिन एक दिए गए समय में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि समान है। ठीक है, तो एक निश्चित टाइम पीरियड में, एक समय में इनकी जो संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि है वह समान है। ठीक है, यह पत्ती जो है आप ओ और ब 10 वर्ग सेंटीमीटर, 5 वर्ग सेंटीमीटर, यह आप देख रहे हैं टोटल 55 वर्ग सेंटीमीटर, 50 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो निरपेक्ष और सापेक्ष वृद्धि दर ओ और ब पंक्तियों में आप देख सकते हैं, दोनों ने अपने क्षेत्रफल दिए हुए समय ओ ब पंक्तियां बनाने में 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर बढ़ा लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों के लिए टाइम पीरियड समान है, लेकिन उनमें संपूर्ण क्षेत्र वृद्धि समान नहीं है, उनमें क्षेत्रफल जो है अलग अलग हो रहा है। तो विभिन्न आकारों में दिखाई गई है, लेकिन एक दिए गए समय में उनके संपूर्ण क्षेत्र वृद्धि समान है, फिर भी उनमें से एक की सापेक्षिक वृद्धि दर ज़्यादा है, यह कौन सी है और क्यों। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सापेक्षिक वृद्धि दर जो है एक की ज़्यादा है और एक की कम है। तो यह था स्टूडेंट्स वृद्धि दर के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।